स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर ये जानकारी है। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर राष्ट्रीय लोक दल का बड़ा ऐलान सामने आ चुका है और स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगा राष्ट्रीय लोक दल। ये बड़ी जानकारी आपको इस वक्त दे रहे हैं। निकाय चुनाव पर राष्ट्रीय लोक दल का ये बड़ा ऐलान है और स्थानीय निकाय चुनाव अकेले लड़ेगी आरएलडी, ये साफ हो चुका है। जनाधार संगठन को मजबूत करने के लिए यह फैसला है, आरएलडी की तरफ से यह बयान दिया गया है। समाजवादी पार्टी के साथ है आरएलडी का गठबंधन, समाजवादी पार्टी के साथ है आरएलडी का गठबंधन, लेकिन अगर निकाय चुनाव की बात की जाए तो स्थानीय निकाय चुनाव अकेले आरएलडी लड़ेगी, ये साफ कर दिया गया है। हालांकि इससे गठबंधन पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। निकाय चुनाव पर राष्ट्रीय लोक दल का यह बयान सामने आया है, स्थानीय निकाय चुनाव को आरएलडी अकेले लड़ना चाहती है, ये साफ किया जा चुका है। जनाधार संगठन को मजबूत करने के लिए ये फैसला है आरएलडी का, ये आपको बयान भी आपको बता रहे हैं लगातार। समाजवादी पार्टी के साथ आरएलडी का गठबंधन है, लेकिन स्थानीय निकाय चुनाव की अगर बात हम करते हैं तो आरएलडी ने यह साफ किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव आरएलडी अकेले ही लड़ने वाली है, चुनावी मैदान में आरएलडी अकेले जाएगी, ये साफ हो चुका है। जनाधार को बढ़ाने के लिए, संगठन को मजबूत करने के लिए यह कदम उठाया गया है, आरएलडी ने यह बयान भी दिया है। और स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं, जनाधार संगठन को मजबूत करने के लिए यह फैसला है। राजीव पंडित मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राजीव, ये तो साफ किया है आरएलडी ने कि अकेले स्थानीय निकाय का चुनाव लड़ेगी, लेकिन समाजवादी पार्टी को साथ ना लेके चलने के पीछे की वजह क्या सामने आ रही है? देखिए, प्रदेश अध्यक्ष रामाशीष राय आज बागपत में है और उनका कहना है, हमारी इनसे बात हुई है, उन्होंने साफ किया है ये स्थानीय निकाय चुनाव से पहला बयान आरएलडी की तरफ से चुनाव को लेकर आया है। उन्होंने साफ कहा है कि पार्टी का जनादेश बढ़ाने के लिए, संगठन की मजबूती के लिए इस बार स्थानीय निकाय चुनाव आरएलडी अकेला ही लड़ेगी। जब हमने ये सवाल किया कि सपा इसमें शामिल क्यों नहीं होगी जब गठबंधन के साथ है, तो उनका साफ कहना था कि हो सकता है कि एक दो सीट पर अगर वहां के अध्यक्ष की बात हो जाए तो वो उदाहरण बन सकता है, लेकिन पूरे प्रदेश में आरएलडी अपने अध्यक्ष उतारेगी और ऐसा पार्टी की मजबूती के लिए किया जाएगा, संगठन की मजबूती के लिए किया जाएगा, क्योंकि पूरे प्रदेश में संगठन का नया विस्तार हो रहा है और इसी को लेकर कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने बैठक की है। कार्यकर्ताओं को कहा है कि गांव और बूथ तक बैठ जाए, इसी के साथ उन्होंने कहा है कि 2024 का जो चुनाव है। राजीव, बहुत शुक्रिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।